नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। चलिए आपसे एक सवाल पूछते हैं। जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो क्या आप अपने उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं या फिर फौरी बातचीत से ही इतिश्री कर लेते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको बता दें कि आपकी जेब पर डाका डाला जाता है और ये इतने कायदे से डाला जाता है कि आपको ये एहसास भी नहीं होता कि दुकानदार कितनी रकम बना रहा है। इंडिया न्यूज की ताजा पड़ताल में यह साफ हुआ है कि मॉल, मल्टीप्लेक्स, एयर स्टेशन, बस अड्डे जैसी जगहों पर जमकर लूट होती है। आप मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने तो जाते ही होंगे, तो फिल्म के दौरान इंटरवल में आप पानी, पीने का पानी, कॉर्नफ्लेक्स, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक भी लेते होंगे। इसी तरह ट्रेन या बस में सफर के दौरान भी आप अक्सर ये सब चीजें खरीदते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये सामान खरीदते वक्त क्या आप उन उपभोक्ता अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं तो संविधान ने जो आपको दिए हैं। कोल्ड ड्रिंक की 30 वाली बोतल 60 से 70 रुपए की, पानी की 20 वाली बोतल 40 से 50 रुपए की, 20 रुपए वाले वेफर्स 40 से 50 रुपए के। आपसे अक्सर मॉल, सिनेमा हॉल, रेस्तरां, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर ऐसी एमआरपी मांगी जाती होगी। एमआरपी यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये वही दाम है जो हर चीज पर छपा रहता है और इसके बावजूद आपको बतौर उपभोक्ता दुकानदार चूना लगाता है। कई जगह एमआरपी को छिपा दिया जाता है और कई जगह डबल एमआरपी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, एमआरपी छपे होने के बाद भी आपको कई बार ज्यादा भुगतान करना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना गैर कानूनी है और उपभोक्ता मंत्रालय ने खास तौर पर इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसी महीने उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने इस बारे में दोहराया है। सिनेमा हॉल के बाहर में है वही भीतर में दाम में रहेगा, जो होटल के बाहर है वही होटल के भीतर रहेगा। एमआरपी के आधार पर होगा, जहां एमआरपी नहीं है वहां एमआरपी लिखना पड़ेगा। कंज्यूमर्स हों उनको विधिवत क्या कहते हैं कि इस संबंध में जो है वो कंप्लेन दायर करना चाहिए और बहुत बड़ा उस पर कड़ा कानून है। जिनका लाइसेंस है, लाइसेंस सीज किया जा सकता है, उनके खिलाफ में कार्रवाई क्या कहते हैं कि हो सकती है, दे मे बी अरेस्टेड, यहाँ तक का कानून का प्रावधान है। एयरपोर्ट, ट्रेन, मल्टीप्लेक्स और होटल में पैक्ड वाटर बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं एमआरपी से ज्यादा पर। लेकिन हम आपको बता दें कि आप उपभोक्ता मामलों के मंत्री को भी सुन चुके हैं, वो भी यही कहते हैं कि ये करना गैर कानूनी है। सरकार ने ऐसे मामलों में जेल और जुर्माना जैसी सजा का प्रावधान किया है। लेकिन इसके बावजूद मल्टीप्लेक्स, मॉल और होटलों में पैक्ड वाटर बोतल की बिक्री एमआरपी से ज्यादा कीमत पर हो रही है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में राजधानी जयपुर की दुकानों और मॉल का वो सच हम आपको दिखाएंगे जिससे आप दो चार तो रोज होते हैं लेकिन अपने हक की आवाज उठाते नहीं, ये सोचकर कि 10-20 रुपए की बात है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि पैक ड्रिंकिंग वाटर बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री पर 10 से 20 फीसदी ज्यादा कीमत वसूल कर कितनी रकम बनाई जा रही है? लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के सेक्शन 36 में है प्रावधान, खुदरा कीमतों से ज्यादा वसूलने पर है जुर्माना और सजा दोनों, 50,000 से लेकर 1,00,000 तक के जुर्माने का प्रावधान। इंडिया न्यूज ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में पड़ताल की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या जयपुर में सरकार के फैसले और कानून के निर्देशों का कोई असर है। लेकिन जो परिणाम सामने आए वो हैरान करने वाले थे। एमआरपी की कोई हद नहीं है, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड ही नहीं, बाजार में कई दुकानदार
खुलेआम एमआरपी से ज्यादा वसूली कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन्हें रोकने वाला तो दूर, टोकता तक नहीं कोई। सुबह से ग्राहकों के साथ ठगी शुरू हो जाती है। दूध, कोल्ड ड्रिंक, छाछ, बोतल बंद पानी सहित तमाम सामान पर एमआरपी से ज्यादा वसूली शुरू होती है। कई जगह तो डेढ़ गुना तक ज्यादा कीमत वसूली जा रही है। कोई ठंडे के नाम पर तो कोई मनमर्जी से ही उपभोक्ता से अवैध वसूली कर रहा है। उपभोक्ता मंत्रालय भले ही एमआरपी से ज्यादा वसूलने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रहा हो, लेकिन ये लोग बेलगाम हो गए हैं। कानून तो ये है कि अगर कोई उपभोक्ता किसी भी दुकानदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करता है तो मंत्रालय की विशेष विंग तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मंत्रालय ने हर राज्य के एरिया में मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर तैनात कर रखा है, लेकिन सच्चाई क्या है ये हम आपके सामने रखेंगे। जयपुर से जितेश जेठानंदानी, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।